दोस्तों वकार यूनुस के आते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियां, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों इस 17 रुकनी स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया और कौन से खिलाड़ी 17 रुकनी स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम हुआ, तमाम तर तफसीलात बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन कॉल पर क्लिक कर लें, जिसमें नंबर 1 पर हैं कप्तान शान मसूद, नंबर 2 पर हैं आमिर जमाल, नंबर 3 पर हैं अब्दुल्ला शफीक, नंबर 4 पर हैं इब्रार अहमद, नंबर 5 पर हैं बाबर आजम, नंबर 6 पर हैं इमामुल हक, नंबर 7 पर हैं खुरम शहजाद, नंबर 8 पर हैं मीर हमजा, नंबर 9 पर हैं मोहम्मद रिजवान, नंबर 10 पर हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, नंबर 11 पर हैं नुमान अली, नंबर 12 पर हैं सलमान अली आगा, नंबर 13 पर हैं सरफराज अहमद, नंबर 14 पर हैं सऊद शकील, नंबर 15 पर हैं मोहम्मद हुरैरा, नंबर 16 पर हैं कामरान गुलाम और नंबर 17 पर नसीम शाह को पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया है। क्या दोस्तों पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड में किसी और खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए था या नहीं, आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन कॉल पर क्लिक करते हैं, ताकि क्रिकेट की लम्बा अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।